अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। देखिए हमें पहले अंतरा के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। कैसे टेस्ट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टेस्ट। आदित्य मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी नहीं विद्या, प्लीज। बहुत जरूरी है। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उससे जरूरी नहीं हो सकता। अंतरा नॉर्मल नहीं है, ऑटिस्टिक है। ये जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी, आम बच्चों की तरह ना कुछ बोल सकेगी ना कुछ कर पाएगी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। अंतरा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। अंतरा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। अंतरा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अंतरा तुम हमारी हो, हमारे साथ आओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, हमारे साथ चलो, अपनी दुनिया में चलो। ये लोग तुम्हें नहीं चाहते हैं अंतरा। इन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पापा 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 अंतरा। अंतरा 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 अभिषेक विद्या विद्या अभिषेक अभिषेक विद्या अंतरा विद्या अभिषेक विद्या अभिषेक अंतरा अंतरा अंतरा। आदित्य क्या हुआ? वो लोग ले गए उसे। कौन लोग ले गए? अरे वो लोग अंतरा को ले गए। आदित्य कहीं नहीं गई अंतरा, बेडरूम में बिल्लू और अभिषेक के साथ खेल रही है वो। आदित्य अंतरा
आदित्य क्या हुआ है? आदित्य आदित्य फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो जी, मैं डॉक्टर विक्रम के क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज आपका अपॉइंटमेंट है सर। जी सर, आज आपका अपॉइंटमेंट है। हेलो जी विद्याबाब। समीर भैया आप अभी घर आ सकते हैं? क्या हुआ है भाभी? पता नहीं, आदित्य को कुछ हुआ है। क्या हुआ आदित्य को? कल रात से अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं वो। भैया आप जल्दी आ जाओगे तो उनसे बात कर पाओगे। ठीक है भाभी, मैं आधे घंटे में आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। विक्रम। हेलो आंटी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक आंटी। और अंकल? अंकल भी ठीक है। बताओ काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया आंटी। अच्छा, आज हमारी याद कैसे आई? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को आके मिलूं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, सो आई थॉट एटलीस्ट फोन तो कर लूं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी रहते हो। आप तो जानते ही हैं आंटी, ये मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, काम से बहुत बढ़कर है। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। थैंक यू आंटी। आंटी विद्या कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। और उसके पति मिस्टर वर्मा आदित्य, वो भी बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ, मैं भी भूल जाता हूँ। और आंटी विद्या के बच्चे? अभिषेक, वो तो बहुत ही शरारती बन रहा है। उसकी कोई बेटी? नहीं तो, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस आंटी, दरअसल मैं किसी को कुछ और समझ बैठा था। ओ, जब भी टाइम मिले ना बेटा, घर आ जाना। मैं कोशिश करूंगा आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा और अंकल का भी। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। ओके बाय आंटी। Yeah!
कैसे हुआ? ये के बच्चे, देख तेरी काली गोलियां कितनी बची है। अंदर है। पता नहीं, सवेरे से ही घबराए हुए हैं। सुबह उठे तो पसीने छूट रहे थे और फिर अचानक अंतरा को ढूंढने लगे। क्यों? अंतरा को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो अंदर बेडरूम में कैरम खेल रही है। समीर भैया, आप बात कीजिए ना आदित्य से, देखिए क्या हुआ है। भाभी, आपको आपको इतनी टेंशन है तो आप खुद ही बात क्यों नहीं कर लेते? आदित्य को अभी वो बात नहीं बताई। ठीक है, मैं आदित्य से कुछ नहीं कहूंगा। पागल 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 इधर कौन पागल है? हाँ बोलना, कौन पागल है? कौन है पागल? हाँ बोलना, कौन है पागल? बोल। किसको नहीं? मैं आदित्य। अंतरा पागल नहीं है, समझा तू? मेरी बेटी पागल नहीं है। बिल्लू, ऐसे चिढ़ाते नहीं है किसी को। जाओ खेलो, जाओ। बच्चे पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे किए की सजा ही भुगत रही है अंतरा। मैं मामा के घर जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी।
आदित्य क्या हुआ है? आदित्य मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है? फोन बज रहा है। हेलो आदित्य, आप कहाँ हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आदित्य का दोस्त बोल रहा हूँ समीर। मैं डॉक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। आज 10 बजे उनका अपॉइंटमेंट था मेरी क्लिनिक में। वो अपनी बेटी को लेके मेरे पास आने वाले थे, 10 तो बज गए। आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं पूछता हूँ। तेरा कोई अपॉइंटमेंट था डॉक्टर विक्रम के साथ? उसे बोल कि मेरी बेटी को कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है वो, बोल उसे। हेलो। देखिए शुरू शुरू में माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कहिए प्लीज अपनी बेटी को ले आए। आदित्य पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हो गया, ये सारी दुनिया पागल हो रही है। उन्हें लगता है कि अंतरा का दिमाग खराब है। वो डॉक्टर विक्रम वो बोलता है कि अंतरा ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक क्या होता है? ऑटिस्टिक कुछ नहीं होता है, ये सब है ना, इन लोगों ने ऐसे कुछ फैंसी नाम निकाल के रखे। इनकी भी दुकान चलनी चाहिए ना। पहले माँ बाप को ऐसे कुछ नाम बता के डरा देते और फिर इलाज के नाम पे उनसे पैसे ऐंठते। बस यही काम रह गया उनके पास। बोलते कि अंतरा नॉर्मल नहीं है, अपनी दुनिया में रहती है, वो नहीं जानती कि उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है। अरे नहीं जानती तो मत जाने यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो जानता हूं ना कि अंतरा मेरी बेटी है, बस इतना काफी है मेरे लिए। बोलता कि अंतरा में भावनाएं नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए ऐसी की ऐसी रहेगी। अरे समीर तू ही मुझे बता, ऐसा कभी होता है क्या? अरे इंसान श्रद्धा से पत्थर को भी भगवान बना देता है, तो क्या अंतरा के दिल में भावनाएं नहीं जगा सकता? डॉक्टर विक्रम बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। देखिए अंतरा को कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? पेरेंट्स के लिए ऑटिज्म एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन तुम समय बर्बाद कर रहे हो। अंतरा को इलाज की जरूरत है आदित्य।